आज हम जानेंगे सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बन रहे एक्सप्रेस एस्ट्रा प्रोजेक्ट को। सबसे पहले इस लोकेशन की बात करें तो सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन के काफी प्राइम सेक्टर्स में से एक है। चाहे यहाँ पे इजी कनेक्टिविटी हो या ग्रीन बेल्ट, वो सारा का सारा यहाँ पे अबंडेंस में मिल जाता है। एक्सप्रेस एस्ट्रा सोसाइटी के सामने ही यथार्थ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और सोसाइटी बिल्कुल मेन रोड के साथ में लगी हुई है। यहाँ से गौर चौक केवल 3 किलोमीटर की दूरी पे है। आसपास का एरिया पूरी तरह से डेवलप्ड है और आसपास में काफी सारे प्रोमिनेंट अपार्टमेंट जिसमें सुपरटेक, अरिहंत, ट्राइडेंट, राजहंस, देविका जैसे मिल जाते हैं। सोसाइटी के आसपास में बात करें तो ऑलरेडी फुल फ्लेजिंग डेवलप्ड मार्केट है जहां पे डेली यूज का सारा सामान मिल जाता है। वहीं पे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो मेन रोड से बसेस, ऑटोज बड़े आराम से मिल जाते हैं। सोसाइटी से प्रपोज मेट्रो गौर चौक की तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी पर रहेगी। वहीं पे आज के टाइम में ब्लू लाइन सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन यहां से केवल 8.5 किलोमीटर की दूरी पे है और साथ ही में यहां से ब्लू लाइन तक मेट्रो फीडर बसेस दिन रात चलती हैं। अब अगर एक्सप्रेस एस्ट्रा प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कॉर्नर का प्लॉट है जिसके एक साइड पे 24 मीटर रोड है और वहीं पे फ्रंट में 150 मीटर की सड़क है। सेक्टर 1 में ग्रीन बेल्ट का काफी ख्याल रखा गया है और यहाँ पे ग्रीनरी दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। एक्सप्रेस एस्ट्रा एक कॉर्नर का 6 एकड़ का प्लॉट है जिसमें 10 टावर्स हैं। इन 10 टावर्स में टोटल मिला के 900 फ्लैट्स हैं और सोसाइटी को 2 फेजेस फेज 1 और फेज 2 में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें फेज 1 में टावर सी, डी, ई, एफ और जी हैं। सोसाइटी को यू शेप में बनाया जा रहा है और सोसाइटी के 2 साइड पे मेन रोड आ जाती है। सोसाइटी में बिल्डिंग्स की हाइट 23 फ्लोर से लेकर 26 फ्लोर तक वेरी करती है और वहीं पे सोसाइटी में 2 लेवल का बेसमेंट पार्किंग भी है। सोसाइटी के अंदर में एक लग्जूरियस 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी है और साथ ही में ग्राउंड प्लस 2 लेवल का कम्युनिटी सेंटर। सोसाइटी में भी ग्रीनरी का काफी ख्याल रखा गया है और सोसाइटी में 70-75% ओपन ग्रीन एरिया मिलता है। साथ ही में सोसाइटी में सेंट्रल लैंडस्केप गार्डन्स, फ्लावर बेड्स और एमिनिटीज काफी अवेलेबल हैं। सोसाइटी में एमिनिटीज की बात करें तो काफी लग्जूरियस एमिनिटीज जिसमें क्रिकेट पिच, लॉन टेनिस कोर्ट, लॉन ऑर्किड विद सीटिंग गार्डन्स, पेडेस्ट्रियल पाथवे, फीचर वॉल, टेम्पल, अडल्ट स्विमिंग पूल, किड्स स्विमिंग पूल, पूल डेक, क्लब, इंटरैक्टिव स्पेसेस, जॉगिंग ट्रैक्स जैसी काफी सारी एमिनिटीज मिल जाती हैं। सोसाइटी के 40,000 स्क्वायर फीट पे फैले हुए क्लब कोशा में सारी स्टेट ऑफ द आर्ट एमिनिटीज मिल जाती हैं, चाहे वो जिम्नेजियम हो, स्टीम सोना, डांस या जुम्बा रूम या मिनी मूवी स्क्रीनिंग हॉल या साथ में बैंक्वेट हॉल, इंडोर गेम्स, पूल टेबल, गेस्ट रूम्स और कार्ड रूम, ये सारी की सारी चीजें क्लब में मिल जाती हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए तो एक्सप्रेस एस्ट्रा जो कि MyOne टेक्नोलॉजी पे बन रहा है, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अच्छा तो है ही, इसके अलावा लोकेशन वाइज भी काफी प्राइम है। आसपास का एरिया डेवलप्ड है और सोसाइटी में भी काफी सारी एमिनिटीज प्रोवाइड कराई गई है और वो भी एक रीजनेबल प्राइस में। अगर इन सब चीजों को कंसिडर किया जाए तो ये प्रोजेक्ट लेने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड सभी वीडियोस, लेआउट, ऑफर और प्राइसेस जानने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं बाय इंडिया प्रॉपर्टी ऐप। और ऐप के अंदर अगर बिल्डर लाइव है तो उनसे चैट, वीडियो कॉल और कॉल पे बात करके पा सकते हैं अपने लिए सबसे लोएस्ट कीमतें। जिन प्रॉपर्टीज पर बिल्डर लाइव है उन प्रॉपर्टीज के फोटो पे बिल्डर लाइव लिखा हुआ मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।